અમદાવાદમાં ભવર રાઠોડ ડિઝાઇન સ્ટુડિયો દ્વારા દેશનું સૌથી મોટું ડિઝાઇન એક્ઝિબિશન ગ્રાન્ડ ફિનાલેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાની પ્રથમ 50 ફેશન ડિઝાઇન સંસ્થાના 2000 વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. આ એક્ઝિબિશનનો ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓને ટેક્સટાઇલ, ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર એન્ડ આર્કિટેક્ચર, પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન, ઓટોમોબાઈલ, ગ્રાફિક ડિઝાઇન, એનિમેશન ડિઝાઇન ક્ષેત્રે સ્કેચ અને 3D મોડલ શો માટે પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો છે. डिज़ाइन इंडस्ट्री का फ्यूचर ये है कि आपने जो भी आज पहना हुआ है, कपड़े, वॉच, कैमरा, ये सब कुछ डिज़ाइनर बनाते हैं और काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है. तो जिस धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस क्रिएट होगा, इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा है. इंजीनियर के साथ साथ हर कंपनी अब डिज़ाइनरों को रखती है, अगर उसको अपने आप प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है तो. ये मार्केट में क्या है, सब कुछ इनोवेटिव होता है कि डिज़ाइन नए हैं, अब इंटीरियर डिज़ाइन नया है और स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया का. और स्किल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम प्राइमरी लेवल पे 9th-10th स्टैंडर्ड से स्टूडेंट्स को ये स्टार्ट कराएं, बताएं कि इसमें भी बहुत बड़ा फ्यूचर है. स्टूडेंट्स को हमें बस ये मैसेज देना है इस एग्जीबिशन के थ्रू कि अगर उनका इंटरेस्ट है डिज़ाइन की तरफ, अगर आर्ट और क्रिएटिविटी उनको अच्छा लगता है, तो वो डेफिनेटली अपना करियर इसमें बना सकते हैं. क्योंकि अगर जो स्कोप है डिज़ाइन का, उसकी बात करें तो इंडिया में वो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है और अगले काफ़ी सालों में और ज़्यादा बढ़ेगा.